यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिमागी सेहत से जुड़े मसाइल पर आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जहनी सेहत की अहमियत के बारे में शऊर और आगाही बेदार करना है। जहनी सेहत का आलमी दिन हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का मौजू काम की जगह पर जहनी सेहत को तरजीह देना वक्त की ज़रूरत ये वाजे करता है कि मुलाजमीन की जहनी सेहत के लिए एक मुआवन माहौल बनाना लाजिम व मलजूम है। गैर सेहतमंद हालात बशमूल बदनुमा दाग, इम्तियाजी सलूक और हरासा किए जाने और काम करने के दिगर नाकिस हालात जैसे खतरात का सामना अहम खतरात लाहक हो सकते हैं, जिससे दिमागी सेहत, मजमूई मियारी जिंदगी और इसके नतीजे में काम पर शिरकत या पैदावार सलाहियत मुतासिर हो सकती है। दुनिया की 60% आबादी काम में मसरूफ है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है कि काम दिमागी सेहत के लाहक खतरात को रोकता है और काम पर दिमागी सेहत की हिफाजत और मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग जो दिमागी अमराज में मुब्तला होते हैं अपने इंसानी हकूक से महरूम हो जाते हैं। इन अफराद को न सिर्फ समाज में तन्हा छोड़ दिया जाता है बल्कि दिमागी और जिस्मानी तौर पर इनका इस्तेहसाल भी किया जाता है। दिमागी मसाइल से 2-4 अफराद इलाज के हक से भी महरूम हो जाते हैं, जबकि दुनिया भर में जहनी अमराज का शिकार हजारों अफराद हर साल मुख्तलिफ वजूहात के बायस खुदकुशी कर लेते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का मकसद लोगों को जहनी सेहत की जरूरत, दिमागी अमराज के नुकसानात और इससे बचाव के बारे में आगाही फराहम करना है। यूशा मुमताज, मेट्रो वन न्यूज, कराची। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर।